हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मन्ना स्क्वायर। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैंगो कस्टर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। मैं यहाँ पे एक बाउल ले ली हूँ। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कस्टर्ड पाउडर, ये 4 टेबल स्पून है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ गुनगुना दूध और इसे थोड़ा थोड़ा ऐड करके अच्छा सा घोल बना लेना है। हैंड बिस्कर की हेल्प से मैं कर रही हूँ, इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। तो आप ये देख सकते हैं अच्छा सा बन चुका है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस की। तो आप ये देख सकते हैं मैं यहाँ पे 1/2 लीटर दूध ले ली हूँ और दूध में एक बॉईल आने का वेट करना है। तो आप ये देख सकते हैं दूध में अच्छा सा बॉईल आ गया है। अब इस पॉइंट पे मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर 1 कटोरी चीनी ऐड कर रही हूँ, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर 100 ग्राम चीनी ली हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है और मैं फ्लेम को मीडियम कर दूँगी ताकि ओवरफ्लो ना हो। कस्टर्ड मिक्सचर को अब मैं इसे फिर से मिक्स कर दूंगी और इसे ऐड कर देना है बॉयल दूध में। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। तो आप ये मेरी तरह ये गलती मत करिएगा, थोड़ा थोड़ा ऐड करिएगा कस्टर्ड मिक्सचर को, नहीं तो लम्स बन जाता है। और इसे अच्छे से चला देना है। तो आप ये देख सकते हैं कस्टर्ड को कुक करते हुए 5 मिनट हो चुका है। बस इतना ही पकाना, इसे ज़्यादा पकाइएगा तो थिक हो जाएगा। तो इसको चेक करने का एक तरीका होता है। तो आप ये देख सकते हैं स्पून अच्छे से कोट हो चुका है, बस इतना ही पकाना है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और अब मैं इसे ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो आप ये देख सकते हैं मैं कस्टर्ड को ट्रांसफ़र कर ली हूँ और अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख देना है 2 घंटे के लिए। तो याद रहे इसे फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में रखना है। तो आप ये देख सकते हैं कस्टर्ड ठंडा हो चुका है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी फ्रूट। तो मैं यहाँ पे एप्पल ली हूँ और इसे मैं पील एप्पल को छिलके को उतार ली हूँ और इसे छोटे छोटे पीस में कट कर ली हूँ। अब मैं इसे ऐड कर देना है, एक एप्पल है ये। और मैं यहाँ पे एक आम ली हूँ और इसे भी मैं छोटे छोटे पीस में कट करके ऐड कर रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। आप मेरे इस रेसिपी को सभी के साथ शेयर कीजिएगा, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सभी के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। तो चलिए अब मैं सर्व करती हूँ कस्टर्ड को। तो मैं यहाँ पे छोटा सा बाउल ले ली हूँ और इसमें कस्टर्ड ले ली हूँ और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऐड कर और अब मैं इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऐड करती हूँ। देख सकते हैं देखने में कितना प्यारा सा लुक आया है, करके बताती हूँ इसका टेस्ट कितना गजब का आया है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंगो के साथ कस्टर्ड खाने का मज़ा ही कुछ। ओके बाय। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।